हेलो गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास जियो का भरत V1। तो आज इसका दोस्तों अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 15 दिन पहले दोस्तों लॉन्च हुआ है, तो 15 दिन से मैं यूज़ किया हूँ इसको, और इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, क्या चीज़ चलता है क्या नहीं चलता है, सारा चीज़ दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप भी अगर दोस्तों जियो का भरत V1 बाय करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देखिए टेक्नोलॉजी। चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो भारत का V1 का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो गाइज़, यहाँ पे काफ़ी सारा हाईलाइटेड फीचर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे जियो सिनेमा चला सकते हैं, जियो सावन चला सकते हैं, जियो पे है, जियो टीवी है, जियो फोटो यहाँ पे आपको मिल जाता है, जियो चैट मिल जाता है, HD वॉइस कॉलिंग दिया हुआ है, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, 2.4 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाता है, 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उसके साथ दोस्तों वायरलेस FM और 23 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट है, 2000 mAh का बैटरी मिल जाता है और लाउड स्पीकर है। यहाँ पे दोस्तों क्वालकॉम है। तो यहाँ पे फटाक से इसे अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये फ़ोन का लुक डिज़ाइन कैसा है, इसमें YouTube चलेगा या नहीं चलेगा, सारा चीज़ दोस्तों आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन निकलता है बाहर। और फ़ोन के अंदर की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्विक स्टार्ट गाइड मैनुअल बुक मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ोन मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार से है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी ये वाले सेक्शन में मिलता है, सिलिका जेल मिलता है और यहाँ पे 2.5 वाट का एक चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है। फ़ोन की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। आपको ओल्ड जियो याद होगा, 220 मॉडल था, 320 मॉडल था, तो 320 मॉडल का तरह दोस्तों यहाँ पे ये आपको सेम देखने को मिल जाता है। और पीछे में दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कैमरा वाले सेक्शन में हल्का सा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये रैप को हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जियो का ब्रांडिंग भी दिया हुआ है। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, जियो भारत लिखा हुआ है और पूरा सेम आपको पुराना जियो फ़ोन का ही तरह देखने को मिलता है जो कि 320 मॉडल था। तो इसको दोस्तों ओपन करते हैं, बैटरी लगा के आपको दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप मेमोरी चिप लगा सकते हैं, और सेकेंडली ये जो है आपका सिम का है जिसमें आपका जियो सिम ही सपोर्ट करेगा, अदर्स आप कोई भी सिम नहीं लगा सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, जियो भारत लिखा हुआ आ गया है और फ़ोन जो है ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है काफ़ी सिंपल है और काफ़ी जल्द से जल्द ऑन हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं, और काफ़ी लाइट लग रहा है यूज़ करने में। ये नहीं कि हैंग कर है, वन टिपने के बाद दोस्तों इंस्टेंट यहाँ पे वन प्रेस हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है। बाकी ये 4G फ़ोन है, 4G सिम यूज़ कर सकते हैं और ब्राउजिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जियो सिनेमा का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारा दोस्तों आप इंजॉय कर सकते हैं इस फ़ोन में। YouTube का दोस्तों यहाँ पे कोई भी फीचर्स नहीं दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरनेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे जाके आप ओपेरा मेन्यू ऑन करके गूगल पे यूट्यूब सर्च करके आप यूट्यूब ब्राउजिंग कर सकते हैं। ये सारा दोस्तों आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिल जाता है। उनकी फ्रंट अपर साइड की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर स्पीकर का होल दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पे रबर बटन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, माइक का यहाँ पे आपको होल देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले सेक्शन पे आपको स्पीकर मिल जाता है, साथों साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कैमरा का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर। नीचे दोस्तों यहाँ पे जियो का मस्त ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन की अपर साइड की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाता है और डाउन में यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन जैक मिल जाता है और यहाँ पे है चार्जिंग करने का पोर्ट। और इस साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन को हैंगिंग करने के लिए होल दिया गया है, और फ़ोन का बैग जो होता है इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको सेक्शन दिया गया है। बाकी दोस्तों आप अगर ये फ़ोन ले रहे हैं YouTube देखने के लिए तो दोस्तों ये ज़्यादा बेटर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका एक नया जो फ़ोन लॉन्च हुआ है जियो का प्रीमा, ये दोस्तों आप ले सकते हैं, इसके अंदर आपको YouTube का फीचर्स मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको YouTube, WhatsApp, Facebook इस तरीके का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ गाइज, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, तो आप अगर वीडियो कॉल वगैरह करने का सोच रहे हैं तो इसमें आपका नहीं होगा। ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान रखते हुए आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। फ़ोन का प्राइस भी दोस्तों काफ़ी कम है, 1300 में आपको ये फ़ोन जो है मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।